भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दल बेशक मजबूत चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके अपने ही सहयोगी दलों ने उसकी नींद हराम कर रखी है। महाराष्ट्र में कुर्सी के लिए जारी खींचतान के बीच झारखंड में सहयोगी दल AJSU और LJP ने ज्यादा सीटों की मांग कर ली है। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 23 दिन बाकी हैं, लेकिन सीटों को लेकर बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। गोन्यू संवाददाता अंजलि ओझा बता रही हैं कि BJP इस चुनाव में किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के बाद भी सरकार बनाने में असमर्थ भारतीय जनता पार्टी झारखंड के मामले में अब फूक फूक के कदम रख रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस बार ज़्यादा सीटों की मांग की है झारखंड के विधानसभा चुनाव में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि कुछ सीटें जिनकी मांग रखी है AJSU ने ऐसी भी हैं जिसपे भाजपा के प्रत्याशियों के जीतने की संभावना ज़्यादा है। भाजपा के सामने एक संकट की स्थिति है जहां पर कि वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं फिर से उनके गठबंधन में समस्याएं ना पैदा हों झारखंड में, लेकिन दूसरी तरफ सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के घर पर आज भाजपा के झारखंड यूनिट के नेता मिले और इन मुद्दों के ऊपर में चर्चा की। सूत्रों के अनुसार जो भी अलग अलग सीट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ से कौन कैंडिडेट्स होंगे इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में हुई, और कुल मिलाकर के जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड को लेकर के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लेके सामने आ सकती है। झारखंड में चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन 13 नवंबर को ख़त्म होंगे और 30 नवंबर को झारखंड में पहले फेज के चुनाव होंगे। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।